अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और हम सब लोग भी यहाँ खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, फजर हो गए, इशराक हुए, अल्लाह का शुक्र है। और मैं यहाँ आ गई किचन में, तो सबसे पहले मैं अपनी मेडिसिन लूँगी, इंसुलिन लूँगी, उसके बाद पीऊँगी चाय। और आज कुछ स्पेशल दिन है। वो क्या स्पेशल दिन है कि डॉक्टर साहब ने रखा है रोज़ा। वैसे भी ये साल में बहुत रोज़े रखते हैं, लेकिन आज जो रोज़ा रखा है वो इनका रमज़ानमबारक का रोज़ा छूट गया था एक तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो वो रमज़ानमबारक का रोज़ा आज रखा है इन्होंने। वैसे कभी छूटता नहीं है, फर्स्ट टाइम ये रोज़ा मतलब इनका रह गया है। तो मैं सोच रही हूँ, जिस तरीके से हम लोग रमज़ान मुबारक में अफ्तारी बनाया करते थे और सब एक जगह बैठ के अफ्तार किया करते थे, तो छूटा हुआ रोज़ा है तो वो मैं उसी तरीके से अफ्तारी बनाऊँगी। वैसे तो ये होता है कि जब डॉक्टर साहब रोज़ा रखते हैं मतलब नॉर्मल दिनों में, तो घर पे नहीं अफ्तार पाते हैं, कभी कहीं जहाँ भी होते हैं, जिस जगह होते हैं वहीं अफ्तार कर लेते हैं जैसा वक्त मौका होता है। अभी घर में है तो मैंने सोचा चलिए बना देती हूँ, कुछ खाने में भी बना लेती हूँ अच्छा सा। तो सबसे पहले पी लेती हूँ चाय, उसके बाद ये मैंने पोटैटोज जो हैं इसको फिंगर चिप्स की शक्ल दे के मैंने इसको बॉईल कर लिया है, और इसको स्पिनर में डाल देती हूँ, थोड़ी हवा लग जाएगी, बाद में फिर दूसरा काम करूँगी, पहले जल्दी वाले काम कर देती हूँ। और ये दूध भी मैंने बॉईल कर दिया है। अब गर्मी इतनी सख्त हो रही है तो ज़मन को क्या खिलाऊँ, तो मैंने सोचा चलिए खिचड़ी बना लेती हूँ, मैं और ज़मन और याया तो खा ही लेंगे, और बस दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी चाय भी पी ले, तो ये ले चाय पी लेती हूँ। उसके बाद पीस लेती हूँ चटनी। अमन की जोर की खुशबू आ रही है। खुशबू भाई, अमन रोज में ऐसी ही खुशबूएं आती हैं जब एन टाइम होता है। ये क्या है? ये अपा रख रहे हैं अपना, क्या क्या रख रहे हैं, देखो बंद कर देती हूँ चूल्हा, नहीं अभी सीटी बंद रही। ऐसी खुशबू आती हैं अमन रमजान में, रोजदारों को बहुत खुशबू आती है। आलू डाल दो उसमें कीमे में? नहीं। क्यों? नहीं, पहली बार खाई थी चिकन का कीमा और आलू। नहीं डाल दूँ? नहीं ना, नहीं ऐसे भून दूँ बस। हाँ ठीक है, ओके चलो, बस हो गया कंप्लीट। टेस्टी लगेंगे। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी खाई नहीं है, लेकिन ये है कि मैं डाल के देखती। नहीं अम्मा, अब मैं कर लूँ अपना वो चिप्स बना लूँ। हाँ, हो गया आपका काम? बना ले, हो गया ठीक है। इसमें बना लूँ अम्मा? ए इसमें नहीं, ओ छोड़ 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 छोड़, तुम मेरी कढ़ाई छू मत लियो, मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी, तुमने खराब कर दी मेरी कढ़ाई। तो फिर मेरी पे तो आपने वो कर दिया ना, क्या करें? दूसरी वाली एक और जो है एल्युमिनियम की, उसमें बना, ये दे दिए। ये बहुत सारे ऑयल में बनता है ना, तो ये खराब हो जाएगा। ये छोटी सी, इतनी छोटी सी, देखिए ये कितनी बड़ी है, ये देख, ये देखिए ये बच्चा, ये जल जाएगी बेचारी। इसमें बना ले तो कोई बात नहीं, हम बच्चे में बना लेंगे। नहीं इसमें कम ऑयल का बनता है, बहुत सारे ऑयल का डीप फ्राई नहीं होता, इसमें कम ऑयल का बनता है, ठीक है? जब कम ऑयल का बना है तो मैं तुझे दे दूंगी ये कढ़ाई। अल्लाह का शुक्र है मैंने तो अपनी कढ़ाई बचा ली, वरना अमन जला ही देती। और मैं इस वाली कढ़ाई में ये ऑयल डाल देती हूँ, जब देखेगी कि ऑयल है तो इसी में अपना बना लेगी जो बनाना होगा। अमन ये क्या हो रहा है? पोटैटो चिप्स। ए अल्लाह अमन, तू रोज़े में ऐसे कर रही है, देखिए देखिए। लेकिन ये इसमें क्यों रखे हैं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं अमन ये। अच्छा अभी ठंडे नहीं हुआ। अरे वाह, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं ये, देख ले बढ़िया है। और क्या क्या हो गया अम्मा? ये आप प्याजू बना रही हैं? प्याजू बना रही हूँ मैं, इसको ये ऐसे ये सही रहता लेकिन है, क्यों मसाला सही रहता है ऐसे प्याज में, फिर ये प्याज ना खुल जाती है, तो प्याजू बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत क्रिस्पी। प्याजू की बना रही है? एवन बनाए दे रही हूँ, खा लेना रोजदार रोक लिए आप, ये रोजदार खा लेते हैं, कोई बात नहीं, रोजदार खा लेते हैं, सब हजम हो जाता है रोजगारों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो सब दिलों के हाल जानता है। फिर हम लोग इतना कहाँ खाते हैं, एक आध दो में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बना लिए, जय नमाज पढ़ना जल्दी। बस बन गई मेरी प्याज। ये जो चिकन का कीमा था तो मैंने इसको 2 घंटे पानी में भिगो दिया है, और अब बस जल्दी से कोफ्ते बना लेती हूँ। लीजिए अम्मा हरा धनिया।
अब हरा धनिया तो लाई है, मैं सोच रही थी बन गए तो मैं डाल देती, और के बन गए पका के जब डाल। इतनी जल्दी बना लिया आपने? जल्दी बना लिए, थोड़े से थे ना इसलिए। इतने से बनाए बस? अरे कीमा भी तो है चिकन का, चिकन का तो फिर भी आपने इतने से क्यों बनाए? तो कौन खाएगा इतने सारे तो हैं। नहीं इतने सारे इतने से तो हैं, कलेजी भी है कीमा भी है। आपके तो गोल मटोल कोफ्ते हैं आपके, क्या खिलाती हैं आपने? मैं जो तुझे खिलाती हूँ वो इन्हें खिलाती हूँ। फेशियल कराया, फेशियल शाइनिंग आ रही है, फेशियल कराया इसलिए। कोई भरोसा नहीं है, अब कल का भी रोजा रखें ठीक है। चलो ये आपके कोफ्ते तेल में स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसमें झाग क्यों आ रहे हैं? झाग पता नहीं, अब्बा कड़वा तेल लेकर आए, वही खाना तेल जो होता है उसमें झाग ही आ रहे हैं, पता नहीं क्यों जब भी बनाती हूँ झाग ही आते हैं। और इसकी पता नहीं स्मेल तो मुझे इतने क्या ही लगती है, अब भी देख झाग आ चला रहा है। मैं सोच रही हूँ कहीं जल ना जाए, देखिए वो तो गए है ना। इस झाग की वजह से ये ऑयल भी काफी आ रहा है इसके साथ साथ, इसलिए मैं इसमें करके करूंगी कर रहे हैं। स्विमिंग करना चाह रहे हैं वो भी, और जल जाएंगे देख। कोई बात नहीं, छोड़ दी उन्हें। नहीं नहीं निकालना तो पड़ेगा वरना फिर ज्यादा वो हो जाएंगे। जल्दी से फटाफट फ्रूट्स काट देती हूँ, एक एक करके काम करो फिर भी बहुत टाइम लग ही जाता है। याद आया कि मेरा जमन तो खाएगा ही नहीं, फिर मैंने सोचा कि जमन के लिए जल्दी से मैंगो शेक बना देती हूँ, तो इसको अफ्तार से पहले ही मैंगो शेक खिला दूँगी। पिलाना क्या है, थोड़ा गाढ़ा ही रखूँगी तो उसको पिला दूँगी पीसने के बाद में। तो ये हो गया मैंगो शेक जमन का। और जो डबल बेड बनवाया है हमने वो काफी बड़ा हो गया है, बेड शीट छोटी पड़ गई है, अमन परेशान हो रही है। क्या खाना खाएंगे? मैंने ऐसे ऐसे कपड़े छाई छाई नहीं पहनाए, देखो भाई। हाँ क्या क्या कह रहे हो जमन भाई? है गुड्डे, मेरा गुड्डा बुखार आ गया मेरे सोना को। जमन भाई सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम करिए, सलाम करिए जमन भाई। गुड्डा देखो कहाँ है मम्मा, जमन भाई कहाँ है मम्मा? नहीं मेरा बाबू, बाबू अल्लाह पाक सही कर देगा मेरे बाबू को। सोना और देखो याया भाई कैसे बैठे हुए हैं, याया भाई को पढ़ना नहीं है, छुट्टी चल रही है तो बस पढ़ना ही नहीं है, याया भाई को बिल्कुल नहीं पढ़ना, कुरान खोल के नहीं देखना, गलत बात है याया, बहुत गलत बात है। जमन भाई की तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक जमन भाई को सही कर दीजिए। और यह है तो दुआ नहीं कर, दुआ करेंगे इंशाल्लाह, ऐसी थोड़ी दुआ होती है, कुरान पढ़ के जब दुआ होती है, नमाज पढ़ के नमाज में करते हैं। हाँ क्या हो गया गुड्डे, इल्ला अल्लाह कर रहे हैं भैया। आपको यकीन नहीं
अमन ही पता नहीं क्या कह रहा है, यकीन नहीं है इसका, यकीन सुन ले पहले, क्या यकीन नहीं है क्या बताओ। अच्छा अमन भाई घूम में लेट गए छोटे भाई की, अरे अल्लाह मेरा गुड्डा, इससे बहुत अमीर हो जाएंगे, ये देखो ये क्या है, चीकू का बीज है, सोना निकले वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके ये शर्ट में से आपका स्टोमक क्यों निकल रहा है? इतनी छोटी शर्ट क्यों पहनी है? या ये उतार दे चल, ये अब नहीं रही है, अब तो बड़ा हो गया है। सोने की तो पता नहीं, लेकिन इनकी शर्ट में से इनका स्टोमक बाहर निकल रहा है। याया की ईद की छुट्टियां क्या हुई हैं कि बस याया ने इतना परेशान करा है और अपना कुर्ता पजामा भूल के बस छोटी छोटी पैंट शर्टें निकाल निकाल के पहन रहा है, इतना परेशान करा है, दिमाग ख़राब करके रख दिया है, इतना खेल में मगन हो गया है बच्चा के बस मैं क्या बताऊं। ज़मन के अंदर इतनी वीकनेस हो गई है कि बस बच्चा बैठता है थोड़ी देर नहीं बैठ पाता और बस लेट जाता है। हीरा मोती है, हीरा मोती। अम्मा ये क्या हो गया ने? हो गया क्या? ये कैसे हो गए? अरे इन्हें रोजा लग रहा है, शाम का टाइम है ना, बिल्कुल इन्हें रोजा लग रहा है इसलिए। अरे इंसानों को रोजा लगता है। ये अच्छे लग रहे हैं आपके। ये मैंने मसाला वगैरह डाल दिया, सब तैयार कर दिया मैंने। इन्हें पता नहीं क्या हो गया, पर कुछ नहीं हुआ है, खाएगी तो अच्छे लगेंगे। ठीक है ना, ये भी ले जाते, लेके जाना, लेके जाते। बहुत जल्दी मुझे घबरा दिया, मैं सोच रही कि बिल्कुल बस एंड टाइम है, ये भी खा ही लेंगे, अब अलग से लाएंगे। अम्मा एक काम वो कर दिया बस आप, मेरा लास्ट क्या कहूंगा आप ना, सेकने की चीजें सेक दिए। ओए मैं अम्मा ये देखिए इतना, अभी तक बड़ा वो कर रही थी। कौन आया बेटी? आया दस्तरखान लगाइए यहाँ। अम्मा मैं दस्तरखान लगा दिया। लगा दिए बेटे, ये लेके जाइए, ये लिए पहले ये लेके जाइए, दोनों हाथों से मार के गिरना नहीं चाहिए ना, जा दस्तरखान पर रखो जाकर, ये भी लेके जाओ, सब लेके आओ। ये मैं रखी आता हूं, मैं चटनी नहीं भेजूंगी। हाँ ये रखिया, चटनी नहीं भेजूंगी, इसे कोई गिरा लेगा।